और कोडरमा विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के नामांकन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार राजद प्रत्याशी सुभाष यादव का स्क्रूटनी में नामांकन सफल रहा है और अब सुभाष यादव का नामांकन रद्द नहीं होगा। सभी अटकलों पर विराम लग चुका है और सुभाष यादव का नामांकन सफल हुआ है तो सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर है। और बता दें कि कोडरमा से राजद प्रत्याशी है सुभाष यादव और चुनाव से जेल लड़ेंगे। और सुभाष यादव की स्क्रूटनी में नामांकन सफल होने के बाद राजद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और बता दें कि बालू के अवैध कारोबार में जुड़े मामले से सुभाष यादव फिलहाल जेल में बंद है और कुछ महीने पहले ही ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार किया था। फिलहाल कोर्ट के पैरोल पर सुभाष यादव कोडरमा जाकर किए नामांकन किया था उन्होंने और स्क्रूटनी में सुभाष यादव का नामांकन सफल है। किशन अंकल और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजकुमार हमारे साथ कोडरमा से सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखिए बड़ी खबर है कोडरमा से, जहां राजद प्रत्याशी सुभाष यादव का स्क्रूटनी में नामांकन जो है वो सफल हो चुका है और सभी अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है इसे पर? जी, आपको बता दूं कि जो अभी आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र अंदर के बता रहे हैं कि राजद प्रत्याशी सुभाष यादव का जो नामांकन है वो स्वीकृत कर लिया गया है, स्क्रूटनी में जो है उनका नामांकन स्वीकृत हो गया है, जिसके बाद या कोडरमा का जो मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले ही दिनों जो है सुभाष यादव अभी फिलहाल जेल में बंद है और पिछले दिनों ही कोर्ट से पेरोल लेकर वो कोडरमा आए थे, जिसके बाद नामांकन करवाए था, लेकिन हाल ही में जिस दिन नामांकन करवाए थे उसके नामांकन के बाद जो है पटना हाईकोर्ट ने उस जो पेरोल का ऑर्डर दिया था उसको वापस ले लिया था, जिसके बाद ये जो है संशय बना हुआ था कि कहीं इनका नामांकन रद्द ना हो जाए, लेकिन आज ये सभी अटकलों पर विराम लग चुकी है। और जहां तक सूत्र अंदर के जो सूत्र बताते हैं कि जो राजद प्रत्याशी सुभाष यादव का जो है नामांकन वो स्वीकृत कर लिया गया है, और हालांकि रफ्तार मीडिया ने भी दिखाई है कि अब कोडरमा में जो है मुकाबला इस बार कोडरमा विधानसभा का त्रिकोणीय होने वाला है, और इस जो इसके बाद जो है अभी भी जो सुभाष यादव का नामांकन जो है स्वीकृत होने के बाद अब भी लग रहा है जो कोडरमा में जो है मुकाबला ये त्रिकोणीय होने वाली है। तो कहीं ना कहीं सुभाष यादव जेल से ही चुनाव लड़ने वाले हैं और राजद के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। जी, आपको बता दूं कि अभी जिस दिन से कोर्ट ने अपना पेरोल ऑर्डर वापस लिया था इसके बाद यह संशय बना हुआ था कि कहीं सुभाष यादव का नामांकन रद्द ना हो जाए, लेकिन अभी जो जिस प्रकार से जैसे ही पता चला राजद कार्यकर्ताओं की सुभाष यादव का जो नामांकन है वो स्वीकृत कर लिया गया है, जिसके बाद जितने राजद के कार्यकर्ता है वे सभी अभी खुशी का माहौल है और सभी खुश है। वहीं अभी जो है राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव भी अभी अनुमंडल कार्यालय के पास पहुंचे थे, जिसके बाद जब सुभाष यादव का नामांकन स्वीकृत कर लिया गया तो उन्होंने एक राजद कार्यालय में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया है, जिसके बाद वो पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से ये पूरा जो है चुनावी प्रक्रिया को अपना यहाँ रणनीति तैयार करेंगे राजद की ओर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए।